आप सभी से नमस्कार। खबर जड़ से डिजिटल फेसबुक लाइव देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। इस समय फरीदाबाद के सबसे बड़े नागरिक हॉस्पिटल बादशाह खान की मोर्चरी के बाहर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। और खबर यह है कि परसों रात और कल सुबह जल्दी, यानी कि रात को तकरीबन परसों रात 1 बजे का मामला है, जहाँ पर कुछ परिवार में, दो परिवारों में झगड़ा होता है और झगड़े के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। 40 वर्षीय युवक जिसका नाम सुनील बताया जा रहा है, उसकी मौत हो जाती है। पूरा मामला जानने के लिए परिवार के लोग और सुनील जो युवक जिनकी मृत्यु हुई है, जिनकी हत्या कर दी गई है, उनका पुत्र हमारे साथ है और उनसे पूरी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे क्या मामला था, किस कारण से यह वारदात हुई है। जी, क्या नाम है आपका? सक्षम। एक बार सुनील जी की फ़ोटो दिखा दीजिए। आपको पहले फ़ोटो दिखाते हैं सुनील जी की, जिनकी लड़ाई झगड़े में मौत हुई है। देखिए ये देखिए इसको हटाइए। 40 वर्षीय सुनील हैं जिनकी लड़ाई झगड़े में मौत हुई है और पूरी जानकारी देने के लिए उनका पुत्र हमारे साथ है। आइए प्रयास करते हैं। जी, क्या उम्र है इनकी? इनकी 40 साल उम्र। 40 साल। तो ये परसों रात की वारदात है, तकरीबन 12 से 1 बजे के बीच में। हाँ, क्या हुआ था, पूरी बात बताइए। इसमें ये हुआ था कि मेरे पापा थे छत पर। अच्छा। तो मम्मी थोड़ी गाली गलौज चल रही, तो मम्मी नहीं चलेगी। आपकी मम्मी से ही इनकी? वो तो घर में चलती रहती है आपस में। ठीक है। हाँ, तो मेरी बहन थी ऊपर, मेरे पापा ने मेरी बहन को मतलब दूसरी तरह समझ के किसी और में थप्पड़ मार दिया। मतलब आपको लगा कि आपकी बहन बैठी है, आपके पिता को लगा कि आपकी बेटी, उनकी बेटी बैठी है, तो उन्होंने उस लड़की पे थप्पड़ लगा दिया। थप्पड़ लगा। अच्छा, अच्छा। तो एक थप्पड़ की वजह तो उन्होंने फिर बाद में सॉरी मांग ली, देखा कि वो नहीं है। अच्छा, जो लड़की थी उसके घर वालों से, उस लड़की से सॉरी मांग ली। फिर उन्होंने, चलो ये भी तो हो सकता है कि दो थप्पड़ वो भी मार दे, सॉरी माफ कर दे। अच्छा, ये भी हो सकता था, पर उन्होंने इतना मारा कि उनकी जान चली गई। अच्छा, मतलब जिनकी लड़की को उन्होंने गलती से थप्पड़ मार दिया था, उसके बाद सॉरी भी बोल दिया, उन्होंने मारा आपके पिताजी को। हाँ। क्या, किस चीज से मार किया? पहले तो छत से फेंका उन्होंने सीढ़ी पे। अच्छा, छत से धक्का दे दिया। हाँ, छत से धक्का। अच्छा। दे दिया। अच्छा। सीढ़ी पे, फिर वहाँ से उतर के फिर पाइपों से मारा, फिर छाती पे लात वात मारी और गुम चोट की वजह से मेरे पापा की मृत्यु हो गई। उसी समय एक्सपायर हो गए थे, उसी से आधे घंटे बाद, वहीं पर घर पे खत्म हो गए थे। अच्छा, तो ये कौन लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया? यह एक विकास है, एक अखिलेश है और विकास की वाइफ पूजा और इसका बेटा कुंजन। और ये विकास और अखिलेश कौन है, आपस में रिश्तेदार हैं? नहीं नहीं, ये रिश्तेदार नहीं, किराएदारी हैं। अच्छा, विकास और अखिलेश का नाम बता रहे हैं और एक पूजा, पूजा और उसकी वाइफ और एक गुंजन। अच्छा, ये उनकी लड़की का नाम बता रहे हैं आप? लड़के का नाम उसको। अच्छा, गुंजन लड़का है। अच्छा, ये कौन है, अखिलेश के हैं जानकार? अखिलेश के रिश्तेदार हैं? नहीं, जानकारी है। जिस महिलाओं के नाम ले रहे हैं आप, वो तो विकास की वाइफ है। विकास की वाइफ है, उसका लड़का है। हाँ। उसका लड़का है। अच्छा, तो आप, क्या कार्रवाई हुई है पुलिस की? कार्रवाई तो अभी कुछ नहीं, बस FIR लिखवाया था हमने, तो धारा के हिसाब से कर रहे हैं, दोनों को कस्टडी में रखा है। अच्छा, शायद आज कोर्ट लेके जाएंगे, अब देखते हैं क्या होगा। अच्छा, तो आपका पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है? अभी तो संतुष्ट, अभी आगे देखते हैं होता कितने। तो जिन लोगों के नाम आपने शिकायत में दिए थे, उनके खिलाफ FIR हुई है? उनके हुई। नाम है FIR में? दो जने के नाम है, दो के नहीं है अभी। आपने किसका नाम दिया था? अब मैंने तो चारों का ही दिया था। चारों का नाम जो बता रहे हैं, पूजा, गुंजन, पूजा, गुंजन, अखिलेश और विकास। हाँ। और दो का है, विकास और अखिलेश का। विकास और, एक बार FIR दिखाइएगा आपको, एक बार FIR दिखाते हैं। और परिवार वाले बोल रहे हैं कि हमने शिकायत में चार लोगों के नाम दिए थे और इन जो गुंजन है और जो महिला है जिनका नाम ले रहे हैं आप, उन्होंने भी मारा था आप? हाँ, चारों ने मारा था। चारों ने मिलकर कोई मारा। किसने देखा मारते हुए? मेरी मम्मी ने। आपकी मम्मी ने देखा? अच्छा, तो ये देखिए FIR, ये है 447 नंबर FIR जो कि फरीदाबाद के थाना मुजेसर में लिखी गई है। और ये देखिए 105 जो है धारा लगी है, गैर इरादतन की हत्या का मुकदमा दर्ज हो चुका है। लेकिन परिवार वालों का कहना है कि जो चार आरोपियों के जो नाम दिए थे, उनमें से सिर्फ दो के नाम लिखे गए हैं। ये देखिए, ये अखिलेश और विकास का नाम है, दो लोगों के नाम है, लेकिन चार लोगों के नाम होने चाहिए इनके हिसाब से। और ये चाहते हैं कि चार लोगों के नाम दर्ज किए जाएं, यही चाहते हैं? बिल्कुल यही चाहते हैं। अच्छा, क्या करते थे पिताजी आपके? वैसे मेरे पिताजी तो अभी वेल्डिंग का काम करते थे। अच्छा, वेल्डिंग काम करते थे। कौन कौन है परिवार में? मैं, एक बहन है मेरी और मम्मी पापा। अच्छा, मम्मी पापा, दो चार लोग हैं। और कहाँ से हैं वहाँ से आप कहाँ रहते हैं? बिहार से। पीछे बिहार से। और यहाँ पे कहाँ रहते हैं? यहाँ हम रहते हैं गोची में। गोची रहते हैं? जीवन नगर गोची पार्ट 1। गोची पार्ट 1। अच्छा, तो ये था पूरा मामला। आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक 40 वर्षीय युवक की हत्या कर दी जाती है। और कसूर सिर्फ इतना कि उस व्यक्ति ने, 40 वर्षीय सुनील जिनकी हत्या हुई है,
उन्होंने सिर्फ यह महसूस किया कि सामने जो लड़की बैठी है वो उनकी खुद की लड़की है, लेकिन लड़की अपनी लड़की समझने पर उनको थप्पड़ मारते हैं, लेकिन उनको जब लगता है कि ये लड़की मेरी नहीं है, किसी और की लड़की है, उसके बाद जिस परिवार की वो लड़की होती है उस लड़की से और उस परिवार से क्षमा मांगते हैं, सॉरी बोलते हैं कि मेरे से गलती से थप्पड़ लग गया है उनसे, मैंने सोचा कि मेरी लड़की है, लेकिन जो परिवार है जिनके जिनकी वो लड़की थी वो सुनील को इस तरह से मारते हैं, घर की छत से धक्का दे देते हैं जहाँ पर उनकी मौत हो जाती है। अब परिवार वालों का ये कहना है कि शिकायत के अनुसार पुलिस ने कार्रवाई तो करी है, धारा भी लगाई गई है जिसमें, लेकिन जो चार लोगों के नाम दिए गए थे परिवार वालों की तरफ से उनमें से सिर्फ दो के नाम हैं, दो के नाम नहीं दिए गए हैं। तो परिवार वाले अब ये चाहते हैं कि जो चार लोगों के नाम शिकायत में दर्ज किए थे, लिखित शिकायत दी गई थी उसमें दर्ज थे जिन चार लोगों के नाम, उनमें से दो लोगों के नाम जिनके नाम नहीं दिए गए हैं उनके नाम दिए जाने चाहिए, सभी को जो चार लोग थे सभी को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, ये पुलिस की मांग है। तो जितने भी आला अधिकारी पुलिस के अगर हमारी इस वीडियो को देखते हैं तो आप सभी से उनसे रिक्वेस्ट है कि इस मामले का संज्ञान लें। थाना मुजस्सर का मामला है, FIR नंबर 447 है जिसमें धारा 105 और 3 धारा लगाई गई है, धारा नंबर 3 और 105 लगाई गई है, लेकिन पुलिस का लेकिन परिवार वालों का ये कहना है कि जो धारा है वो सही लगी है, लेकिन जो जिन आरोपियों के नाम दिए गए थे चार के जिनमें से सिर्फ दो के नाम लिखे गए और ये चाहते हैं कि उनके नाम भी लिखे जाएं, क्योंकि वो भी उतना ही दोषी हैं जितना कि दो लोग जिनके नाम FIR में दर्ज है। तो ये जो दोनों नाम जो FIR में दर्ज हैं वो आपने देख लिया, मैंने आपको FIR भी दिखाई जिसमें से अखिलेश और विकास के नाम है और विकास की पत्नी और उसके बेटे का नाम नहीं है, वो चाहते हैं कि ये उनके नाम भी जो है FIR में दर्ज हो और उनको भी कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो फिलहाल आप सभी से रिक्वेस्ट खबर को शेयर करें और आपको दोबारा बता दें परसों रात तकरीबन 12 से 1 बजे का मामला है जहां पर दो परिवारों में झगड़ा होता है और झगड़ा इस बात को लेकर होता है कि एक परिवार अपनी बेटी समझ के किसी दूसरी की बेटी को थप्पड़ मार देता है, उसके बाद सॉरी भी फील करता है, लेकिन सामने के परिवार वाले उनको इतना मारते हैं कि उनकी मृत्यु हो जाती है, डंडों से मारते हैं, लाठियों से मारते हैं, छाती पर पैर से हमला करते हैं और उसके बाद जो है इससे पहले जो इतनी मारपीट के बाद उनको छत से भी गिराया जाता है। तो ये आरोप हैं सुनील 40 वर्षीय मृतक के पुत्र हैं, क्या नाम है आपका? सक्षम ने जो है पूरी जानकारी दी है और ये जो पूरी जानकारी इनकी मम्मी ने खुद सामने देखी है, उनके सामने ये पूरी घटना घटी है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट इस खबर को शेयर करें और पुलिस विभाग से भी हमारी अपील है कि इस मामले का संज्ञान लें और जो भी आरोपी बाकी के जो आरोपी हैं उस पर भी मामला दर्ज किया जाए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट इस खबर को शेयर करें, किसी और खबर के साथ दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा, सीधी तस्वीरें आप फरीदाबाद के नागरिक हॉस्पिटल बादशाह खान की मोर्चरी से देख रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट खबर को शेयर करें, किसी और खबर के साथ दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा, बहुत बहुत धन्यवाद।